हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नो टेक स्टडी। सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि RRV JEE जो है इस बार आने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, मैं कंप्लीट बताऊंगा कि क्या आपको एग्ज़ाम इसका पैटर्न रहेगा और कैसे तैयारी करनी चाहिए। एंड इसका जो अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक 2021 में लास्ट मंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिसंबर तक जो है आ सकता है, या फिर कंफर्म 2020 में, मींस हम ये बोल सकते हैं दिसंबर टू जनवरी, इनके बीच में जो है डेफिनेटली इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा। एंड सो बी केयरफुल एंड इसकी तैयारी अभी से करती रहिए। एंड मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताता हूँ, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की देखते हैं, तो आपका आप इसमें एक्चुअली में क्या है, फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, ये चार जो है स्टेज रहते हैं। एंड फर्स्ट जो रहता है, फर्स्ट जो स्टेज रहता है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस आते हैं 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका थोड़ा मैं आपको बताता हूँ सिलेबस भी क्या है इसका। मैथ आता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, अवेयरनेस आता है, स्पेशली जनरल साइंस आता है। ये देखते हैं कि कितने मार्क्स के आते हैं सभी। अब यहाँ देख सकते हैं मैथ जो आता है वो 30 जो क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली एक क्वेश्चंस एक नंबर का रहेगा। रीजनिंग 25 नंबर की, और इसका जो है GS 15 नंबर का, एंड जनरल साइंस 30 नंबर की। और इसमें सबसे ज़्यादा की थर्ड 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देन ये जो रहेगा, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मतलब जो अभी एग्ज़ाम इसका होगा एंड इसका कट ऑफ कितना क्या जा सकता है, यहाँ पर अभी से हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो 2018 का जो रिजल्ट रहा है तो वो प्री का मैं रिजल्ट बताऊंगा कि किस जोन में, इस वीडियो में नहीं, आपकी अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा कि किस जोन में ज़्यादा कट ऑफ गया है या कम कट ऑफ गया है, तो जोन के वाइज मैं आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट स्टेज हमारा ये है, एंड सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेज है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं देन देन 3 मंथ या 4 मंथ जो है आई थिंक आपके लिए जो है टाइम रहता है। सो क्वालिफाई होने के बाद जो है सेकेंड स्टेज रहेगा। सेकेंड स्टेज में 50 क्वेश्चंस रहेंगे नॉन टेक्निकल की, एंड टेक्निकल का रहेगा 100, यानी कि आप जिस फील्ड से हैं, यानी कि आप जो सिविल से हैं या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच से हैं वो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चंस में भी रहेगा एक नंबर का, तो ये 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली दिया गया है कि GS जो जनरल अवेयरनेस होता है 15 मार्क्स का रहता है, 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी नहीं आएगा, वो 15 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर स्पेशली आएगा इसमें 10 क्वेश्चंस, वो एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चंस। तो ये जो है 50 क्वेश्चंस हो गए, एंड टेक्निकल के 100, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। सो गाइस, बस मैं आपके लिए यही न्यूज़ लेके आया हूँ कि RRV JEE की वैकेंसी या नोटिफिकेशंस आने वाला है। एंड आई थिंक अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि 8, तो अगस्त नवंबर सेप्ट सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि आपके पास 4 मंथ हैं। 4 मंथ के अंदर अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन ये RRV JEE की आ जाएगी, यानी कि इस बार एग्ज़ाम होगा 2018 का था, एंड ये 2021 का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। सो लास्ट टाइम 14,000 इसकी वैकेंसीज आई थी, इस टाइम भी आई थिंक 10,000 से ज़्यादा ही आएंगी। तो कंटिन्यू बस ये है कि आप ये जो नॉन टेक्निकल है वो कंटिन्यू आप रखिए, एंड टेक्निकल भी आप कंटिन्यू रखिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम फाइट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड गाइज
जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली टेक्निकल के, तो करते रहिए यार। बिकॉज ये मत देखिए कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे, तो उस दिन से आप स्टार्ट करोगे तो देन आप सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो जो आपसे पहले तैयारी कर रहा है डेफिनेटली उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बिकॉज दैट कट ऑफ वाइज भी उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनके माइंड में ज़्यादा सेटअप होता है, क्योंकि उनमें उन्होंने कई बार रिवीजन किया होता है एंड क्वेश्चन एंड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रहती है, तो जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करता रहता है कंटिन्यू, तो वो डेफिनेटली एक बार देखकर ही उसका आंसर जो है क्लिक कर देता है। तो यही है कि बस यही बोलने वाला था कि एंड आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।